सोचो तुहाड़े परिवार च कोई नन्ना मेहमान आया होवे या फिर तुहाड़ी नौकरी लगन दी खबर आई होवे या फिर किसी दे गंभीर बीमारी तो ठीक होने दी खबर होवे पर तुहानू खुशी मनाउण ते पाबंदी होवे इथों तक कि तुसी इन्हां खबरां ते वी हस नहीं सकदे। सिर्फ यही नहीं, इन्हां तमाम गल्लां ते अगर तुसी खुशी मनाउंदे हो तां सज़ाए मौत भी मिल सकदी है। इस सुन के तुहानू हासा आ रिहा होवेगा, है ना, पर उत्तर कोरिया च लोग पिछले 10 दिनां तों हसे नहीं ने। उत्तर कोरिया अपने अजीब कायदे कानून फैसलिया ते अपने तानाशाह किम जोंग उन दी हरकतां दे लई पूरी दुनिया भर च मशहूर है। उत्तर कोरिया इस वक्त सोग मना रहा है पर इत्थों दी जनता दे लई इस सोग भी मौत दी सज़ा लैके आया है। उत्तर कोरिया दे तानाशाह किम जोंग उन ने जनता दे हसण ते बैन लगा दिता है। दरअसल उत्तर कोरिया इस वक्त साबका तानाशाह ते किम जोंग दे पिता किम जोंग इल दी 10वीं बरसी मना रहा है। साबका लीडर दे देहांत दे 10 साल पूरे होण ते उत्तर कोरिया दी जनता ते 11 दिन दा बैन लगा दिता गया है। इस दौरान देश दे लोक ना हस सकदे ने ते ना ही शराब पी सकदे ने। सरकारी अधिकारियां ने किम जोंग इल दे देहांत दी याद च लोकां नूं किसी भी तरह दी खुशी ना मनाउण दा सख्त हुक्म सुनाया है। इत्थों तक कि इस दौरान किसी भी तरह का विआह बर्थडे पार्टी मनाउण ते भी बैन लगा दिता गया है। किम जोंग उन दे पिता किम जोंग इल भी अपने बेटे दी तरह सख्त तानाशाह रहे, जिसने उत्तर कोरिया ते 1994 तो साल 2011 तक शासन किया। 17 दिसंबर 2011 नूं इल दी मौत हार्ट अटैक नाल होई। इल ने 17 साल देश दे शासन किया। अंग्रेजी ऑनलाइन अखबार डेली मेल दी खबर दे मुताबक किम जोंग इल तो बाद उन्हां दे तीजे ते सब तो छोटे बेटे किम जोंग उन ने देश दी कमान संभाली। हुण उन्हां दे देहांत दे 10 साल पूरे होण ते उत्तर कोरिया दे लोकां नूं 11 दिनां दा सख्त सोग मनाउण दा हुक्म सुनाया गया है। इस दौरान कोई भी हस के या शराब पी के अपनी खुशी जाहर नहीं कर सकता। रेडियो फ्री एशिया नाल गलबात करदे होए सिनिजू शहर दे एक निवासी ने दस्या कि सोग दी मियाद दौरान उह शराब सेवन, हसना या दूजियां खुशनुमा गतिविधियां नहीं कर सकते। किम जोंग इल दी मौत 28 दिसंबर नूं होई सी, इसलिए इस दिन कोई भी समान खरीदण दे लई ना बाजार जा सकदा है ते ना ही कोई बाजार खुलदा है। रिपोर्ट दे मुताबक 10 साल च इस सोग दे दौरान अगर कोई शराब पींदा होया खुशी मनाउंदा होया पाया गया तो उस नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा है। इत्थों तक कि कई लोकां नूं सज़ाए मौत तक मिल चुकी है। स्थानक लोकां दा कहना है कि नियम तोड़न वालियां नूं अधिकारी फड़ के लै गए ते फिर उह दोबारा कदी नज़र नहीं आए। रिपोर्ट दे मुताबक सोग दे दौरान अगर किसी दे परिवार च कोई देहांत हो जाता है तद भी उस नूं तेजी नाल रोण दी इजाजत नहीं हुंदी। उह मृतक देह नूं सोग खत्म होण तों बाद ही बाहर लै के जा सकदे ने। कहा जांदा है कि इस दौरान लोक अपना जन्मदिन नहीं मना सकदे। एक दूजे सूत्र ने दस्सिया कि पुलिस अधिकारियां नूं लोकां ते लगातार नज़र रखण लई कहा गया है तां कि सुनिश्चित कीता जा सके कि उह दुखी ने। उत्तर कोरिया च हर साल इस सोग मनाया जांदा है जो 10 दिनां दा हुंदा है, पर इस बार उन्हां दी मौत दे 10 साल पूरे होण ते 11 दिनां दा होवेगा।